आप मैम की डेंसिटी देख सकते हैं, मैम की डेंसिटी है वो बहुत ही छोटी है। मैम को प्रॉब्लम आती है कि मैम पोनीटेल नहीं कर सकते, खुले नहीं रख सकते, क्योंकि मैम के जो हेयर है वो कर्ली है और डेंसिटी मैम की ठीक है। डेंसिटी आप देख सकते हैं, मैम की स्कैल्प नहीं दिख रही है, हैवीनेस है। हम पहले करेंगे स्मूथनिंग, स्मूथनिंग से बाल स्ट्रेट करेंगे, देन हम हेयर एक्सटेंशन लगाएंगे। तो आप मैम की डेंसिटी एंड लुक देख सकते हैं, बहुत वेवी है। और हम लगाने जा रहे हैं 24 इंच मैम को हेयर एक्सटेंशन, तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। मैम की जो पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी, तो आप देख सकते हैं, आप देख सकते हो बहुत छोटे हेयर है मैम के। अब हम करेंगे एक्सटेंशन, पहले हम करेंगे हेड वॉश स्मूथनिंग स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि मैम के बालों में ऑयल है और बहुत ही कर्ली हेयर है मैम के। अब हम करेंगे ड्रायर स्मूथनिंग अप्लाई करने के लिए, क्योंकि मैम के बाल स्ट्रेट करने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि मैम के बाल बहुत कर्ली और बहुत ही छोटे हैं। अब हम कर रहे हैं स्मूथनिंग स्टार्ट, केमिकल अप्लाई कर रहे हैं, शॉशकॉफ की हम स्मूथनिंग स्टार्ट की है। अगर हम स्मूथनिंग करेंगे और स्ट्रेट होंगे तभी हम एक्सटेंशन परफेक्टली कर पाएंगे। स्मूथनिंग कर चुके हैं हम डन, अब हम करेंगे प्रेसिंग। आप देख सकते हैं मैम के स्ट्रेट हेयर होंगे तभी हम स्मूथनिंग करेंगे और रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि मैम बहुत अच्छी दिखती है बट मैम के हेयर की वजह से मैम की पर्सनैलिटी जो है वो अलग दिखती है। तो अब हम स्मूथनिंग डन कर चुके हैं, ड्रायर करने के बाद करेंगे हेयर एक्सटेंशन। अब हम लगाएंगे हेयर एक्सटेंशन, आप देख सकते हैं थोड़े बहुत एक्सटेंशन लग चुके हैं, लेंथ देख सकते हैं 24 इंच लेंथ है ये। गाइज आप देख सकते हैं रिजल्ट, मैम के बहुत ही शॉर्ट हेयर थे, इतने हेयर थे, अब आप देख सकते हैं। अब मैम चोटी चोटी भी बना सकती हैं, पोनी डील कर सकती हैं, एवरीथिंग वो सब चीज़ें कर सकती हैं जो मैम नॉर्मल हेयर में करती हैं। और कॉम बहुत ही इजी है, पेंडिबर से कॉम करनी है, देन सेल्फ इट फ्री शैम्पू कंडीशनर यूज़ करना है मैम के हेयर में, इससे मैम को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और 4-5 मंथ में मैम को एक बार रिफिल के लिए आना पड़ेगा। और इसके अलावा कोई ऐसा ऑप्शन नहीं कि हम कुछ अलग से हमें कोई केयर करनी है, ऐसी कोई भी और भी चीज़ नहीं करनी मैम को जिससे कोई साइड इफेक्ट हो, तो आप देख सकते हैं।